अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप इस महल की महारानी बन सकती है। अरे नहीं बनना मुझे महारानी वारानी, मुझे तो मेरे बाबू की माई बनना है, मेरे बाबू की माई। इस हादसे में मैंने अपना लाल अपना बाबू खोया था और उसी हादसे ने मुझे ये बेटा दिया। अब मैं एक मिनट के लिए भी इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। बाबू बाबू, हे लड़की, मेरे बाबू कहाँ है? स्कूल में आग लगी थी ना, वो बुझाने यहाँ पर आया था। सब बोल रहे कि वो यहाँ पर है। इस हादसे में दो लोग जख्मी हुए थे, एक की तो हादसे में ही मौत हो गई लेकिन दूसरा अभी होश में आया है, पर वो अपनी याददाश्त भूल गया है। तो आप एक बार जाकर देख लीजिए उस रूम में। बाबू आप जाकर देख लीजिए। बाबू मैं यहाँ कैसे आया? आप कहाँ है मेरा परिवार? शांत हो जाइए। अरे ये हटाइए, ये सब हटाइए। अरे आप छोड़िए मुझे पहले। ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बाबू नहीं है। इसका मतलब बाबू वो चला गया। हे भोलेनाथ, बैंक का लोन कैसे चुकाएंगे? आपकी बीमारी का इलाज कैसे होगा माई? सब कुछ तो बाबू की कमाई पर निर्भर था, अब घर कैसे चलेगा माई? अरे बोलिए, कहाँ है मेरे अपने? बोलिए डॉक्टर, बोलिए। मेरा परिवार कहाँ है बताइए? कोई तो आया होगा मुझसे मिलने। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कौन हूँ मैं बताइए? इस लड़के को तो कुछ भी याद नहीं, अपना नाम तक भूल चुका है। और हमारा बाबू वो तो हमें छोड़कर चला गया। तो शायद भगवान ने इसे हमारे लिए भेजा है। मेरा परिवार कहाँ है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम तो बताइए मुझे। कहाँ है मेरे अपने? बोलिए डॉक्टर, बोलिए। बाबू मेरा बेटा। मैं तेरी माई। माई? और मैं तुम्हारी बीवी अप्सरा। मेरा बाबू, मैं ही तेरी माई हूं। मानती हूं कि मैंने झूठ बोला था, पर ये झूठ अब सच बन चुका है। मेरा बाबू, मैं ही इसकी माई हूं और मैं ही मेरे बाबू का परिवार हूं। और मुझे डर है कि अगर ये इस घर में और रहा तो कहीं इसे सब कुछ याद ना आ जाए। नहीं, मैं ऐसा कोई खतरा मोल नहीं लूंगी। मैं मेरे बाबू को इस परिवार और इन लोगों से बहुत दूर लेकर चली जाऊंगी। मैं मेरे बाबू को बहुत दूर लेकर चली जाऊंगी। माई ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। इसे कौन सा कुछ याद आने वाला है? वैसे भी हम इसे कौन से ठीक होने की दवाई दे रहे हैं? ये अब हमारा है। पर तू समझ नहीं रही है, रुचिता आज सच के कितने करीब आ गई थी। वो उसकी बीवी है। अरे खून का रिश्ता है बाबू का इन लोगों से, इसका परिवार है ये। देख, हम आग के साथ खेल रहे हैं। हमारा हमारे यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। आई बैठ। हम जाएंगे माई, लेकिन निहार का सारा हक हमारे बाबू के नाम करवा कर। बस जैसे तैसे उस रुचिता को बाबू से दूर रखना होगा, क्योंकि उनका रिश्ता दिल से जुड़ा है, वो भी पूरी मजबूती के साथ।
क्यों चले गए आपने आज? क्यों भूल गए अपने रुचिताओं ने आज? इस वापस आ जाइए, इस वापस आ जाइए। नहीं रह सकती मैं आपके बिना, नहीं। ये क्या कर रही हो रुचिता? ड्रीम कैचर लगा रही हूँ नेहा जी, ताकि ये हमारी जिंदगी से सारे बुरे सपने निकाल दे और सिर्फ प्यारे प्यारे सपने भर दे। रुचिता, थैंक यू। क्या थैंक यू? कितनी बार का ये स्टूल हिलता डुलता रहता है और इसी पर चढ़ जाती हो तुम। अरे टूट जाएगा, इसे कबाड़ में क्यों नहीं फेंक देती अगर चोट लग गई तो? आप है ना मुझे बचाने के लिए? और अगर मैं नहीं हुआ तो मेरे सपने में आके बचा लीजिएगा। आप तो सच में सपना ही बन गए निहार जी। रुचिता जी, जी बाबूजी, रुचिता जी, वो जो भी कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। मतलब कि जो भी आपने देखा वो गलत था। मेरा मतलब है कि वो नहीं, कोई बात नहीं, आपको मुझे कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि आपका अपनी पत्नी और अपनी माँ के तरफ जिम्मेदारी है। मैं रुचिता जी को इतना समझा क्यों रहा हूँ? मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? इनको दुखी मैं नहीं देख सकता। बस अगली बार से कोशिश कीजिएगा कि जो कुछ भी हुआ वो माँ के सामने ना हो, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रुचिता जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। जी शायद ये घड़ी बंद पड़ गई है। जब से निहार जी गए समय समय रुक सा गए। मैं सेल बदल देती हूँ। रुचिता, ये क्या कर रही हो तुम? कितनी बार कहा ये स्टूल हिलता डुलता रहता है, क्यों चढ़ती हो इस पे? चोट लग जाएगी तो कबाड़ में क्यों नहीं फेंक देते इसे? निहार जी, निहार नहीं मैम। ये क्या कहा अभी आपने? आपने मुझे रुचिता और आपको कैसे पता ये स्टूल खराब है? निहार जी, कैसे पता आपको? क्या कहा अभी आपने? आप अपनी हाजी है ना, अपनी हाजी है ना आप? कितनी बार गए इस, कितनी बार गए इस कबाड़ में, अगर चोट लग गई तो? अगर चोट लग गई क्या हो रहा है आपको? पता नहीं यहाँ जी, आप क्या हो रहा है आपको? जी रूही को बचा ली, जाओ मत चले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। निहार जी, मेरा मतलब बाबूजी की क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो है ना बाबूजी? भगवान, मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? आप ठीक तो है ना? क्या हो रहा है आपको? क्या कर रही हो मेरे पति के साथ? मैंने कुछ नहीं किया, वो इनको सर में दर्द होने लगा अचानक से। हाँ, वो इनको कभी कभी हो जाता है, इनको सर दर्द की थोड़ी दिक्कत है। मैं डॉक्टर को कॉल कर। नहीं नहीं, मैं इनको दिखा चुकी हूँ, इनको दवाई दे दूंगी, वो ठीक हो जाएंगे। चलो बाबू, मैं आपको दवाई दे देती हूँ। निहार
देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।